सब्सक्राइब कीजिए टेक विद एनवीडिया चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस पाइए। तो हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरी चैनल टेक विद एनवीडिया पर। और आज मैं एक और नई सीरीज की बात करने वाला हूँ और इस सीरीज का नाम होने वाला है लर्निंग एनवीडिया फ्रॉम बेसिक। बिल्कुल एनवीडिया के बारे में बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे। एक चीज थी मेरे चैनल पर जिसकी कमी थी, वो थे एनवीडिया के शॉर्टकट्स वगैरह। टेक विद एनवीडिया नाम है तो कई लोग कहते हैं कि भैया एनवीडिया के ऊपर वीडियो ज्यादा बनाओ, ये करो वो करो। कुछ लोगों को एनवीडिया के शॉर्टकट्स जानने थे तो इसलिए मैं आज ये वीडियो से स्टार्ट करूंगा एक नई सीरीज। तो मेरा नाम है ध्वज, आप देख रहे हैं टेक विद एनवीडिया, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल। तो जो आज मैं आपको 5 कमांड्स बताने वाला हूँ एनवीडिया के बारे में। तो पहला कमांड है एनवीडिया को स्टार्ट करने के रिलेटेड। तो अगर आपका एनवीडिया बंद है तो अगर आपको उसको चालू करना है तो इन कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, उसके साथ में ऑल्ट की को भी प्रेस करके रखेंगे। ये दोनों की को आपको प्रेस करके रखना है और उसके बाद एन फॉर एनवीडिया दबाना है तो आपका एनवीडिया स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी मेरा एनवीडिया स्टार्ट हो टास्क बार, तो मेरा एनवीडिया स्टार्ट हो चुका है। तो अब बात करते हैं सेकंड कमांड की, जो कि रहने वाला है आपको एनवीडिया को क्विट करने के रिलेटेड। तो एनवीडिया को क्विट करने के लिए आपको एनवीडिया की को पहले तो ढूंढना है। तो एनवीडिया की कौन सी हो सकती है आपके लैपटॉप में? 0 हो सकता है अगर आपका 15.6 इंच वाला लैपटॉप है, या नंपैड वाला 0 हो सकता है। अगर आपने एनवीडिया के अंदर लैपटॉप लेआउट सिलेक्ट कर रहा है तो वो नमलॉक भी मतलब कैटलॉग भी हो सकता है, और इंसर्ट की तो होती ही है। तो मैं यहाँ पे एनवीडिया की प्रेस क्यों दबाऊंगा? एक्सिट एनवीडिया डायलॉग, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, कॉम्बो बॉक्स एक्सिट कोलैप्स्ड ऑल्ट प्लस डी। तो एक्सिट पे आपका फोकस होगा, एंटर कर देंगे और आपका एनवीडिया क्विट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको थर्ड कमांड के बारे में जो बताने जा रहा हूँ वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि अगर आप एनवीडिया पहली बार चालू करते हो तो उसके अंदर आपको विंडोज 1 कोर वाइस मिलता है, और अगर आप विंडोज 7 यूज करोगे तो आपको ईस्पीक मिलता है। अगर आपको सिंथेसाइजर चेंज करना है अब ये तो सिंथेसाइजर क्या है कि मतलब ग्रुप ऑफ वॉइस जो होती है उनको एक तरीके से पैकेज कर दिया जाता है, तो उसको हम सिंथेसाइजर कहेंगे। तब यहाँ पे सिंथेसाइजर अगर आपको चेंज करना है एनवीडिया के अंदर तब आपको करना पड़ेगा एक कीबोर्ड कमांड प्रेस, जो कि है एनवीडिया की को प्रेस करके रखेंगे हम लोग, फिर कंट्रोल की को भी प्रेस करके रखेंगे हम लोग, और उन दोनों को प्रेस करके रखने के बाद हम प्रेस करेंगे आवर एस की। एस का मतलब है सिंथेसाइजर। सेलेक्ट सिंथेसाइजर डायलॉग, सिंथेसाइजर ये सिंथेसाइजर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे अप डाउन एरो की सब विंडोज 1 कोर वॉइसेस माइक्रोसॉफ्ट स्पीच एपीआई, ऐसे आप अलग अलग के बीच में स्विच कर सकते दिस पीसी ओबीएस। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका एनवीडिया का स्पीच मोड को बंद करना है, आपको मान लीजिए एनवीडिया का स्पीच नहीं, किसी नॉर्मल पर्सन को आपने लैपटॉप दे दिया जो कि ऐसे माउस से यूज कर रहे हैं, वेबसाइट इधर उधर क्लिक कर रहे हैं, दिस पीसी, दिस पीसी वन फाइल एक्सप्लोरर, आई वीडियो ना, क्योंकि उनको तो नेम लोकल डिवाइस आइटम डेट मॉड नेम आइटम विंडोज डेट क्रिएटेड की जरूरत नहीं है, राइट? तो उस वक्त आप स्पीच मोड ऑफ कर सकते हो एनवीडिया का ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। आइटम्स व्यू, या फिर इवन आप कभी जूम मीटिंग में हो और आपको चाहिए आइटम आइटम ना बोले आइटम्स व्यू, तभी भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एनवीडिया की और एस की को एक साथ प्रेस करना है। देखिए एक बार प्रेस करेंगे, स्पीच मोड ऑफ, स्पीच मोड ऑफ हो गया। अब अगर आपका ऑफ है और एक बार दबाएंगे तो स्पीच मोड बीप्स बीप्स। अब बीप्स पे क्या होगा, ये बीप करेगा, ये बीप करेगा, कुछ भी जगह पे जाओगे
बीप करेगा। आपको क्या करना है, एक और बार दबाना है। स्पीच मोड टॉक। अब ये टॉक पे आ गया। नेम प्रोग्राम फाइल्स x86। अब ये नॉर्मल हो गया। डेट क्रिएटेड ओबी स्पेस। अब बात करते हैं आखिरी कमांड के बारे में, जो कि रहने वाला है अबाउट योर NVIDIA के अंदर। अगर आपको कीबोर्ड सीखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप बिगिनर हो, आपको कीबोर्ड ठीक से नहीं आता है, राइट, कुछ चीज हमें नहीं पता होती अगर आप बिगिनर होते हो तो उसके लिए क्या करेंगे, NVIDIA के अंदर एक कीबोर्ड हेल्प होता है, इनपुट हेल्प, उसको अनेबल कर देंगे हम। वो कैसा करेंगे, NVIDIA की प्रेस करके रखेंगे और साथ में वन दबाएंगे, वन QWERTY क्वार्टी कीबोर्ड की जो QWERTY वाली लाइन होती है उसके ऊपर वाली लाइन वाला वन। इनपुट हेल्प ऑन। अब ये इनपुट हेल्प ऑन हो चुका है। अब देखिए मैं कुछ भी करूंगा, NVDA plus N shows the NVDA menu and NVDA plus S toggles between the speech modes of off, beep and talk. When set to off, NVDA will not speak anything. If beeps, then NVDA will simply beep each time it is supposed to speak something. If talk, then NVDA will just speak normally. ठीक है, तो इसको normally वापस से करने, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी लिख के भी ले से। A, S, D, F, G, A, J, K, L. वैसे आप कर सकते हो। Left control. सीखने के लिए, ठीक है। तो इसे बाहर आने के लिए NVDA की और वन को वापस से प्रेस करेंगे। NVDA plus 1 input help off. तो ये आपका कमांड खत्म हो चुका है, तो अब आप कुछ भी करेंगे तो ये वर्क करेगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका कोई सा भी सुझाव है तो कमेंट करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टेक विद NVIDIA को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस पाइए। ओके।